Hello everybody, this is Melinda, life coach from Canada and from my hypnotism channel. दोस्तों आज का विषय है कि हम अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, हम जो मेडिटेशन करते हैं, हम साइलेंस में रहते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन जब हम कांटेक्ट में आते हैं कुछ लोग जो नेगेटिव हैं, जिनका थिंकिंग नेगेटिव है, जहाँ जिनके पास नेगेटिविटी है, तो जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमने कितनी साधना के बाद कलेक्ट की, क्योंकि पॉजिटिव रहना इतना आसान नहीं है, कहना आसान है लेकिन लाइफ के जो डे टू डे चैलेंज है उनको फेस करते हुए पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। तो इस कंडीशंस में जब हमने अपने आप को पॉजिटिव किया लेकिन हमारे आसपास बहुत कुछ नेगेटिव है, तो हम कैसे अपने आप को इस नेगेटिविटी से बचा सकते हैं, कैसे हम अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन होने से बचा सकते हैं जहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे आसपास है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है, जो उसकी नेचर है, जे हायर लेवल से लोअर लेवल को फ्लो करती है। जैसे पानी हायर से लो को फ्लो करता है, ऊंचे से नीचे की तरफ आता है, ऐसे ही जो एनर्जी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है। इसीलिए तो पॉजिटिव होने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पॉजिटिव एफर्मेशन देने पड़ते हैं, लेकिन नेगेटिव होने के लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, बिकॉज इट्स अ नेचुरल फ्लो। नेगेटिविटी का जो फ्लो है वो बहुत नेचुरल है। एग्जाम्पल और एक देती हूँ कि जैसे जो हीलर्स होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, जो हीलर्स होते हैं एवेंचुअली वो खुद बीमार हो जाते हैं, उनको कुछ ऐसी फैटल डिजीज़ लग जाती है और फिर लोग कहते हैं कि ये तो दूसरों को ठीक करता था और इसको अपने आप को कैसे बीमारी लग गई, अपने आप को क्यों नहीं बचा सका। सेम रूल अप्लाइज, जब लोग दूसरों को हील करते हैं तो जो हीलिंग से वो अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो उन्होंने मेडिटेशन के जरिए, साइलेंस के जरिए जो उसको कलेक्ट किया था, उसको अकोमोडेट किया था, वो हीलिंग में उस एनर्जी को जिस इंसान को वो हील कर रहे हैं उसमें कंज्यूम कर देते हैं। जब वो किसी को हील करते हैं तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जब किसी बीमार इंसान को, किसी डिजीज वाले इंसान को हील करते हैं तो अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं। तो उस बीमार इंसान की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हीलर के पास चली जाती है, वो उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। अगर हीलर अपने आप पे काम नहीं करता, वो अपने आप को हेल्दी नहीं रखता, वो फिर बहुत सारी मेडिटेशन नहीं करता, कुछ ऐसी रेमेडीज नहीं करता जिससे उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लॉक हो जाए, वो बाउंड हो जाए, तो हीलर बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी वो खुद बीमार हो जाएगा, वो खुद एनर्जी जो है उसकी बहुत लो हो जाएगी। इसमें नेचुरल लॉ अप्लाई हो रहा है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी वाले पर्सन को दे दी और फिर दोबारा उस एनर्जी को कलेक्ट नहीं किया। सिर्फ उसी तरह जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी ड्रेन तो हो रही है और उसको हम दोबारा अगर रिचार्ज नहीं करते तो वो ड्रेन होती ही जाएगी। दूसरी एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे गुरु अपनी एनर्जी अपने चेले को ट्रांसफ़र कर सकता है क्योंकि गुरु के पास पॉजिटिव एनर्जी है, अपने जो डिसिपल है उससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो अगर गुरु चाहे तो वो अपनी एनर्जी अपने चेले को देकर उसकी एनर्जी को बूस्ट कर सकता है, लेकिन अगेन इसके लिए गुरु को फिर मेहनत करनी पड़ेगी। उसको जो एनर्जी कंज्यूम कर ली उसने, उसको फिर उस एनर्जी को रीगेन करना पड़ेगा मेडिटेशन के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा,
अपने साइलेंस के द्वारा जो भी हमारी जो टेक्निक्स है, एक आम पर्सन के लिए जो कि अभी गुरु नहीं है, अभी हीलर नहीं है, सिर्फ मेडिटेटर है, क्योंकि मेडिटेटर के पास भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन वो मेडिटेटर जब नेगेटिव लोगों के संपर्क में आता है, तो उसके दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी जहाँ वो काम करता है, तो वो नेगेटिव लोग उसकी एनर्जी को डिप्लीट कर सकते हैं ईजिली। स्पेशली जब हम ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ बहुत सारे बीमार लोग हैं, बहुत सारी मेंटली सिक लोग हैं, फिजिकली सिक लोग हैं, बहुत सारे स्ट्रेस वाले लोग हैं, तो हमारी एनर्जी ईजिली डिप्लीट हो सकती है। एनर्जी को हम कैसे लॉक कर सकते हैं ताकि डिप्लीट ना हो? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं किसी की संपर्क में आऊँ, मैं अपनी पॉजिटिव टी को मेंटेन रखूँगा जा रखूँगी। दूसरा, हम किसी के इमोशंस के बहाव में ना आए। मोस्टली क्या होता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और हम इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से काम करें, अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो हम अपने माइंड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे दूसरों के साथ, हम एक डिस्टेंस बनाकर उनकी बात को ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, सुनेंगे और फिर हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इन्वॉल्व इमोशनल लेवल पे उनके साथ बहेंगे नहीं। फिर इस तरह हम अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचा सकते हैं। एक और तरीका है कि हम पहले, अगर हमें पता है कि हम कहीं नेगेटिव जगह पे जा रहे हैं जहाँ नेगेटिविटी है, तो हम अपनी एनर्जी को लो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी बॉडी है ऐसे गोल चक्कर और ऐसे लॉक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये अंधविश्वास है या ऐसा कैसे हो सकता है? अगेन, साइकोलॉजिकली, दुनिया में सब कुछ साइकोलॉजिकली होता है। हम पॉजिटिव साइकोलॉजिकली होते हैं, नेगेटिव साइकोलॉजिकली होते हैं, हम बीमार साइकोलॉजिकली होते हैं पहले और हम ठीक भी साइकोलॉजिकली हो जाते हैं। मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फेटल डिजीज़ थी, कैंसर थी और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अपने माइंड सेट के जरिए वो बिल्कुल ठीक हो गए। सो जब हम ऐसा कुछ करते हैं, तो साइकोलॉजिकली हम ऑलरेडी, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दिया कि मैंने अपनी एनर्जी को लॉक कर दिया, और फिर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारी एनर्जी डिप्लीट हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहे हैं। सो अगर आपने कुछ ऐसा करने से आपको लगता है कि इससे फनी और सब सुपरस्टिशियस है, तो आप सिंपल अपने आप को एफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँगा या जाऊँगी, जिन जिन भी लोगों से मिलूँगा या मिलूँगी, मैं अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको स्टेबल ही रखूँगा या रखूँगी, उसको डिप्लीट नहीं होने दूंगी दूसरों की नेगेटिविटी से। और सेम टाइम आप जो है अपनी एफर्मेशंस के द्वारा, अपनी मेडिटेशन, अपना पाठ पूजा के द्वारा अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको आप रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप नेगेटिव लोगों से एक डिस्टेंस बनाकर रखें। ऑनेस्टली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक हम नेगेटिव लोगों से एक डिस्टेंस बनाकर नहीं रखेंगे, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी स्टेबल नहीं रहेगी। आई होप आपने मेरा पॉइंट जो है उसको समझ लिया है और आप इसको माइंड में रख कर, इसको अपने जहन में रख कर ही अपनी जो है जो पॉजिटिविटी की आपकी जर्नी है उस पर चलते रहेंगे। सो बी ट्यून विद मी मेरे अगले वीडियो के लिए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं अगर आपका कोई पर्सनल मैसेज है, एंड आप हमारे माइंड हिप्नोटिज्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।